हिंदे मार ला रियाज देखने का। अच्छा, ये हाँ ये सब जी सब एक्सीडेंटल ज्यादा गाड़ी दिख रहा है। मारे तो टर्न ले लिया। मतलब हम जा रहे थे लेफ्ट साइड में ना। अच्छा, तो एक आदमी को बचाने में सब पेपर ऊपर सब हमको दीजिए। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक न्यू ब्लॉग्स में। और दोस्तों नेक्स्ट दिन है और आज बहुत मतलब कि काम है, क्योंकि किरण वाला भी आएंगे। वो कारण कि किरण कहते हैं जो गाड़ी को टोचन करके ले जाया जाएगा, मतलब रांची तक ले जाएंगे शोरूम, मतलब उनका जो सर्विस सेंटर है वहाँ तक ले जाना पड़ेगा गाड़ी को। तो सुबह से ही करना पड़ेगा, बहुत सारा काम वगैरह बाहर में है। उठते हैं फटाफट काम को करते हैं, है ना। क्यों गाड़ी को भी तो करवाना है, करना है, दे देना है। चलो इधर बाकी लोग, नीतू चांदनी लोग सोए हुए हैं, हमारे जो गेस्ट आए हुए थे उन लोग भी हैं, सो रहे हैं। और आज कैसा लग रहा है, कल तो पूरा दिन चहल पहल थी। सब सारे सामान को निकालना, चावल वगैरह भी सारे सामान को निकालना है यहाँ से। देख सकते हैं अभी कैसा है। सबको तालाब ले जाकर के फुलाना पड़ेगा, उसके बाद सफाई करनी पड़ेगी, फिर जिसका सामान है उसको तो फिर देना पड़ेगा, पहुँचाना अपने वो पहुँचा वो ले जाएंगे, बस साफ करके देना पड़ेगा ना। तो यही सारे बर्तनों को दे देते हैं फूलने के लिए सुबह सुबह, दिवाली आ गई ना नज़दीक, तो लोग मिट्टी वगैरह ला करके इधर सफाई मतलब अब लेस पोत करेंगे। चाची जी मिट्टी ला के यहाँ रखे हुए, फटाफट काम को करते हैं, क्योंकि वो किरण वाला गाड़ी आएगा ना। फ़ोन किए हुए थे कल ही, तो बोले कि 7 बजे 7:30 बजे आ जाएंगे, क्योंकि अभी रोड ज़्यादा खाली रहता है, ले जाने के लिए उतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए अभी ले करके जाएंगे। मतलब अभी लेके जाएंगे तो सही होगा, रांची जाना है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है हमारे घर से। तो मैं ही वाला रूम पे लेटे हुए थे रात को, चाबी वगैरह यहाँ पर रखा हुआ, निकालते सबसे पहले सारे गाड़ी को खाली करते हैं घर से। और दोस्तों सारे सामान को निकाल दिए, गाड़ी वगैरह जो था, और बाकी हमारे भाई लोग भी आ गए हैं, सामान को यहाँ से हटा रहे हैं, मतलब कि डेकोरेट वाले सामान को इन लोग खोल खोल के अब रखेंगे। ये सब फूला खोल भागने किसी ऐसे ने। अच्छा, ये सेट ही रहता है इसे, देखिए इतना ही सुंदर लग रहा था, लाल और सफेद वाला कॉम्बिनेशन है। ए चांदनी देख रहे बेटा तुम्हारा हैप्पी बर्थडे, क्या ले रही है, क्या ले रही, कुछ नहीं ले रही। और इधर नीतू भी रेडी हो गई है सुबह सुबह, कपड़ा वगैरह पहन के भाई। हाँ खाओ खाओ, मिलजुल के खाओ, देख इधर इसको रख दे रहे हैं ना। चांदनी भी जाएगी स्कूल, ए बेटा रेडी हो के स्कूल जाओ ना, स्कूल जाओ। सारे सामान को जगह जगह में पहुँचना पड़ेगा। ये अच्छा, ये पाइप से ये बनाया गया, ये सब सारे सामान को खोल रहे हैं, रिंग वगैरह। और ये देखिए चिंकी कहाँ घुसी हुई, एक बार निकल, बाहर निकल यहाँ बना हुआ ना, ये देखिए अंदर घुसी हुई, एक बार निकल, बाहर निकल। मजा आ रहा तुमको, मजा आ रहा, क्या है ये देखो, चांदनी कहाँ घुस गई, देख कहाँ घुस गई चिंकी, देख बुरी, ये देखिए कहाँ घुस गई, आओ निकल रहे, नहीं निकल रहे, इसको मजा आ रहा है ना, आ जाओ। और ये देखिए चांदनी रेडी हो गई, इसको छोड़ करके आते हैं भाई पहले, उसके बाद कुछ काम होगा। हेलो, आज बेटा जो बात कर रहे हैं, हेलो कहाँ पहुँचे जी, चलो। अच्छा ठीक है, आइए ठीक। अरे वो बात किए हुए थे अभी, गाड़ी वाले को फ़ोन किए हुए थे, वो कल बात हुई थी उनसे, तो ये पूछ रहे हैं कहाँ पहुँचे हैं, तो आ रहे हैं अभी, रास्ते में है। चांदनी को छोड़ के हम भी चलेंगे रांची गाड़ी को बनवाने, क्या करें अब, पहुँच गए हम लोग। चांदनी का गाड़ी आ गया क्या, अरे हमको लगा कि चांदनी का गाड़ी है क्या, ये आवाज़ वैसे ही है गाड़ी जैसे, नहीं है ये। तो यहाँ तो रोड तक आ गए, अब इंतज़ार करते हैं 10-15 मिनट, तब तक चांदनी की भी बस आ ही जाएगी। और अभी पापा भी आ गए रोड तक, अभी चांदनी का स्कूल बस आ गया, नया स्कूल बस चांदनी का है ना, ये तो भी इधर है, चलते हैं बस उसको बैठाते हैं। लंबा बार जाओ 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 चलो। चांदनी चली गई स्कूल, चले बैठा दिया, चली गई, अभी भी जाएगी स्कूल, नहीं जाएगी स्कूल, बैग लेके रेडी है, अपना स्कूल जाएगी, जा चांदनी के साथ, नहीं जाएगी, जा तो अभी जाएगी, सब बच्चे जा रहे हैं, रेडियो क्या है,
चलते हैं घर तक, अब इंश्योरेंस कह रहे हैं वो वाला आएंगे फिर गाड़ी को लेके जाएंगे। और दोस्त अभी चांदनी को छोड़ के आ गए और वो हाइड्रा वाले भी आ गए, करण वाले, किरण वाले। सुनिए ना, गाड़ी का मेरे को डॉक्यूमेंट्स निकाल के दे दीजिए ना, और कुछ कुछ सामान देखे बाल्टी है और क्या क्या दे दीजिएगा, पहले सामान, पहले कागज का पत्र दे दीजिए। तो दोस्तों हम रेडी हो गए और सारा पेपर वगैरह ले लिए, बैग में डाल लिए, क्योंकि रांची जाना है ना तो हमको एक दो दिन समय लग सकता है। थोड़ा हुआ है तो हम चल रहे हैं दोस्तों। रिया जी गए हुए हैं पेपर वगैरह निकाल देने के लिए वो वाला घर में, क्योंकि आधा सा हमारा डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो वाला घर में रहता है। जैसे सारा चीज़ हम ले ही लिए हैं, अब चलते हैं सीधा यहाँ से जहाँ हमारा गाड़ी जो एक्सीडेंट हो करके मतलब पड़ा हुआ ना उसी जगह हमारा वो किरण गाड़ी आया जो उठा के ले जाने वाला है। तो बात हो गई, वो करण वाले फ़ोन किए थे, हम लोग किरण गाड़ी बोलते हैं, वो करण जो उठा के ले जाने वाला, तो चलते हैं फटाफट वहाँ जगह तक पहुँचते हैं। और ये रही गाड़ी, अभी आ गए यहाँ तक, गाड़ी भी हमारी आ चुकी है, सबको हटाना पड़ेगा, ढाँक के रख दिए हुए थे ना। इसको यहीं गड़िया में डाल दे देना, गड़िया चाबी। बीचे नहीं मतलब ना, तो साइड नहीं रही, जैसे जेब्रा जो क्रॉसिंग जो व्हाइट वाट दे ना, व्हाइट वाटा में तो नहीं रही, तो बहुत बीचे रही, बीच बीच में तो के बचाओ में कहते हैं बोली दे रहा है। चलिए गाड़ी को बढ़िया तरह से फंसाया गया है किले वगैरह से, अब इसको लेकर के चलना और बढ़िया तरह से अभी ये कर दिया गया, अब लेकर के जाएंगे गियर आएंगे ना, थोड़ा देख लेते हैं गाड़ी को, गड़िया गियर में शायद लग रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। और दोस्तों गाड़ी में हमारा कुछ कुछ सामान रह गया था ना, तो ये सब को निकाल रहे हैं, सारे पेपर सब निकाल के रख लेते हैं। तो सारा सामान वगैरह निकाल लिए और गाड़ी को बढ़िया तरह से इन लोग टोचन भी कर लिए हैं पूरा बढ़िया तरह से अपने से, अब यहाँ से रांची अब चलेंगे हम लोग। चलिए चली गई गाड़ी हमारी, चलते गाड़ी को भी घर तक ले आए और यहाँ से जो हमारे और भी सामान वगैरह होंगे ना वो सब को निकाल लेते हैं। हाँ मुर्गा की हाँ, बाकी ये भैया जी हैं जो लेकर के जाएंगे, बहुत सारा वीडियो देखते हैं इनके भैया का, और इनका वीडियो बहुत ही अच्छा रहता है और झारखंड में बहुत ही अच्छे यूट्यूबर हैं ये, और हमारे साथ ऐसा हो गया है, हम इनका वीडियो का हम बहुत बड़ा फैन है, अब जितना भी वीडियो ये अपलोड करते हैं बहुत सारा वीडियो इनको को बहुत ही प्यार मिला है झारखंड में, बहुत कम समय में ये उभरता हुआ सितारा है। हाँ, बहुत कम समय में, हम लोग का ही एज के हैं, बहुत ज्यादा उम्र भी नहीं हो रहा है, 24 साल हो रहा है। हाँ। मेरा भी मिनिमम 25 साल हो रहा है। अच्छा, चलिए एक साल के छोटे बड़े हैं। हाँ, तो भैया का आज हम देखने जा रहे हैं घर, ये घर है चांस इनका, जो कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, जो कि भैया गलती नहीं किए थे, लेकिन वो एक आदमी को बचाने में ऐसा हुआ, लक दिमाग ही नहीं काम किया ना, शायद हो जाता है। हाँ। लेकिन चलते भैया का वीडियो बहुत ही हम खुश, चलिए थैंक यू भैया कि आज भैया का घर देखने का सौभाग्य मिला, और बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी भैया, हम भी कभी नेक्स्ट टाइम में वीडियो अपलोड करेंगे जरूर। आइए ना इधर, सारा पेपर को इधर खोज रहे हैं इन लोग, डॉक्यूमेंट्स खोज रहे हैं पेपर को, देख लेते हैं टाटा मोटर्स। तो दोस्तों लोग ले लिए सारा पेपर वगैरह और भैया लोग भी मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, ये है ड्राइवर भैया जी जो गाड़ी को हमारी लेके जाएंगे अभी रांची तक। चलिए भैया, हाँ बाबू रो रहा है,
सामान सब लेके आएंगे ना। हाँ इसीलिए चलिए, एक महीना बन जाएगा, बनना तो चाहिए, ज़्यादा दिन तो नहीं। इंश्योरेंस थोड़ा जितना जल्दी दे देगा अप्रूवल। अच्छा आ गया रोड तक और ये गाड़ी हमारी, देखिए खोल दीजिए, काम नहीं कर रहा तो खुलेगा नहीं, ठीक नहीं खुलेगा, जब तक से काम नहीं करेगा नहीं खुलेगा। अच्छा ये हिंदे मार ला है रियाज देखने का। अच्छा, हाँ ये सर। तो सारा सामान वगैरह निकाल दिया गाड़ी में, जितना कुछ भी था, चलते हैं सभी लोग यहाँ देखने गाड़ी को एक बार। चले भैया हो गया बढ़िया, रांची जाओ नहीं स्कूटी में जाओ बाइक में जाओ। चलिए अब हम भी गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं। और अभी हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं गाड़ी को लेकर के, और एक होटल है बगल में तो यहाँ खाना खा लेते हैं। कुछ इस तरह से टॉर्चर करके ले जाया जा रहा गाड़ी को, चलने लायक नहीं, पूरा डैमेज है ना। तो यहाँ कुछ लोग नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, सुबह सुबह हम भी नहीं खाए, अब भैया लोग भी नहीं खाए ना, कर लेते हैं खाना। चावल खाएंगे? हाँ खाइए, जो खाना खाइए, जाके मिलते ऐसे पूछते ना। और वो किधर गए आपके साथ? तो भैया लोग बैठ गए हैं। और दोस्तों हमारी खाना लग चुकी है, नॉर्मल दाल भात सब्जी है इधर लगा हुआ है, तो चलिए यहाँ से खा लेते हैं, उसका फिर आगे बढ़ेंगे। और अभी लोग पहुँच गए क्राफ्ट में और भैया भी आ गए हैं। एक्सीडेंट तो हुआ है तो चल के देखते हैं कैसा है गाड़ी का क्या कंडीशन है। भैया ही यहाँ से भेजे किरण वगैरह, करण क्या बोलते हैं उसको, जो टोन कर करके जो गाड़ी आया है यहाँ से। देखिए अरे सब गाड़ी देखिए, यहाँ और भी सारा गाड़ी यहाँ लटका हुआ है, वो ऊपर में देख रहे हैं, ऐसे हमारा भी गाड़ी लटकेगा कुछ समय के बाद। एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो एक आदमी को बचाने में, किधर है गाड़ी देख रहे हैं, अंदर हम लोग घुस गए हैं, हमारा गाड़ी किधर है देखते हैं, वो पहले पहुँचे नहीं, पूरा गाड़ी यहाँ है, सब एक्सीडेंटल ज़्यादा गाड़ी दिख रहा है। गाड़ी आया कि नहीं आया? आया तो है गाड़ी, वो बोले तो यही तो यही तो है, इतना अंदर घुस भी है गाड़ी, देखिए ये गाड़ी हमारा यही है, यही ना है, तो बहुत डेंजर दिख रहा है, 420 है ये, तो बहुत तगड़ा हुआ है। हाँ तो मारे मारे गाच में, मतलब कि पेड़ था ना। अच्छा तो मारे तो टर्न ले लिया, मतलब हम जा रहे थे लेफ्ट साइड में ना। अच्छा तो एक आदमी को बचाने में, मतलब मोड़े ना तो उसी में दो तीन को पेड़ था, तो कोई पेड़ से टकराया होगा। फिर इसका पेपर ऊपर सब उनको दीजिए, पेपर लेके आए ना जितना बोले हैं, पेपर लेके आए। चलिए पेपर दीजिए, इसका प्रोसीजर हम लोग कंप्लीट करें। ये तो हमको कल फोन किया, सारा चीजें हो गई, अब यहाँ पेपर निकालते हैं और देते हैं पेपर। जब आप परेशान थे तो रास्ते में भेज देते, आप बोले नहीं कल सुबह आएगा, मैंने हाँ कल सुबह भी खा सकता, जैसा आप बोलिएगा उस सकते। अभी इधर सारा प्रोसेस का काम, अभी पेपर वर्क इधर हो रहा है, भैया भी बैठे हुए हैं, सारा पेपर वगैरह दे दिए, ड्राइविंग लाइसेंस पैन कार्ड इंश्योरेंस वगैरह आधार वगैरह। बनने में भी टाइम लगेगा, गाड़ी में अच्छा खासा डैमेज है तो बनने में तो टाइम लगेगा। तो सारा चीज़ें हमारी हो गई, पेपर का काम काज सब पेपर वगैरह जमा कर दिए, अब चलेंगे घर। और दोस्त अभी बाहर आ गए क्राफ्ट के, और भैया भी इधर है सभी लोग हैं, तो चलते हैं अब सीधा यहाँ से घर, घर ही निकलते हैं भैया, घर निकल जाएगा, अभी समय है ना, घर पहुँच जाएंगे, तो फिर आना ही है ऐसे भी, तो कार वगैरह भी तो आना है, अभी आना खाना तो लगा हुआ, घर निकलते ना। चलो अच्छे से जाओ, धीरे धीरे आके देखिएगा ना, आके आप देख लीजिए, तो देख लेंगे उसको, तुम आराम से अपना धीरे धीरे निकलो। तो चलिए अब यहाँ से हम घर निकलते सीधा गाँव में। और दोस्तों अभी हम घर आ चुके हैं रांची से, और स्कूटी वहीं पर खड़ा कर दिए, वही घर पर हमारा स्कूटी रहता है। चलिए आप सभी लोग सारा चीज़ें बताते हैं कि क्या क्या हुआ, और गेट भी इन लोग छूटा छोड़ दिया है, पता नहीं घर में कौन कौन है। और पूरा शाम हो चुका है दोस्तों, आते आते देखिए इधर एयर कौन लगा रहा है घर को, चांदनी है, चांदनी है, इधर खाना वगैरह बना रहे हैं, मम्मी भी हैं, और इधर रिया जी भी हैं बैठे हुए, लाइट कटा हुआ, अंधेरा अंधेरा, इधर छुप रही है ये, हैप्पी बर्थडे पार हो गया, हैप्पी बर्थडे, आ जाइए इधर, हम मम्मी इधर सेवई वगैरह बना रहे हैं, देखिए यहाँ से। और घर के लोग, पापा फुआ नीतू आधे लोग उधर ही होंगे।
तो खाना पीना बना रहे हैं अभी, फिर खटिया गिरा तो बैठते हैं इधर। हाँ बैठ जाइए उधर। चलिए हम भी आ गए रांची से, देखिए गिरा रखते हैं हम भी। सर आप पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे बढ़िया से रख दीजिएगा ना, सब यहीं देखिए पेपर वगैरह सब यहीं पे रखा हुआ, बढ़िया से रख दीजिए। और दोस्तों आप सभी लोग बताना चाहेंगे कि इंश्योरेंस वाले क्या बोले, वो तो इंश्योरेंस वाले नहीं थे, वो तो क्राफ्ट वाले थे, जहाँ हम लोग गाड़ी को रख के आए ना वो सर्विस सेंटर था, क्राफ्ट था वो एक हिसाब से, तो वहाँ रख करके आए। इंश्योरेंस वाले अलग होते हैं और प्रोसेस होगा, मतलब पहले बताएं कि अभी लंबा समय लग सकता है गाड़ी घोड़ा में, कहना मुश्किल है। तो जब से हम लोग भी गाड़ी लिए हैं ना तब से हमारा अभी थोड़ा सा मतलब लाइफ थोड़ा मतलब अच्छे से नहीं हम लोग भी मतलब रह पा रहे हैं, क्योंकि कई कई लोगों से विवादें भी हुई, कहीं गाड़ी पार्किंग करने में भी विवाद हो चुका है, क्योंकि हम मार्केट वगैरह जाते हैं ना तो मतलब पार्किंग में भी विवाद हो चुके हैं, पहले भी हम कई बार बोल चुके हैं, और रास्ता का भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई, पहले उतनी दिक्कत नहीं थी, जब से गाड़ी ली तब से रास्ता भी बना कर दिए, और इस बार भी ऐसा मतलब घटना घटा हमारे साथ, तो हम लोग सोच रहे कि अपना गाड़ी घोड़ा मतलब अब गाड़ी घोड़ा हम लोग रखेंगे ही नहीं, गाड़ी जैसे ही बनेगी हम लोग सेल कर देंगे गाड़ी को। स्कूटी है ही, अगर कहीं कहीं भी ट्रैवल करना रहेगा तो उसके लिए स्कूटी है, छोटा मतलब बाजार के लिए, बाकी दूर जाना रहेगा तो उसके लिए भाड़ा गाड़ी तो है ही, ट्रेन है बसेस वगैरह सब चीज़ें हैं, ऐसे भी कार का जरूरत उतना है नहीं अभी हम पता चला, ऐसे लोग मतलब ये कहीं कार रखते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में काम देता मतलब इमरजेंसी में कार भी काम देता, तो बाकी कोई नहीं है इधर, तो भाड़ा उड़ा में मिल ही जाएगा, वैसा कहीं कुछ अगर जाना रहेगा हम लोग सोच रहे हैं, बाकी जैसा होगा आप लोग फीडबैक दीजिएगा, इसलिए हम लोग भी सोच रहे हैं कि नो गाड़ी घोड़ा गाड़ी मतलब रखेंगे नहीं, बस दो चक्का रहेगा यही बस स्कूटी वगैरह, क्योंकि हमको भी टेंशन लग रहा है अभी, ये सब बेवजह का वो काम हो गया, अभी स्कूटी अगर रहता कार हम लोग का नहीं रहता, वो स्कूटी में जाते हैं, कार था इसलिए कार लेके गए मार्केट, ऐसा हादसा हुआ, इसलिए जो चीज़ नहीं रहेगा उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, इसलिए निकाल देंगे नहीं रखेंगे गाड़ी को, वो टेंशन भी है ना। चलिए सर बाबू अगर सो गए, हम लोग भी खाना पीना थोड़ा सा भी रेस्ट करते हैं, बाहर से आ रहे हैं ना आग में काफ़ी धूल धूल लग रहा है, खाना पीना खाते हैं पैर हाथ धोते हैं, तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, जैसा होगा आपसे लोग बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें भी डर लग रहा है, जैसा होगा बताएंगे आपसे भी लोग, लेकिन अभी इस तरह चीज़ें अभी ठीक है, बोले कि इंश्योरेंस वाले आएंगे देखेंगे उसके बाद ही बताएंगे, उसके बाद आपसे लोग अपडेट देंगे, तो जैसा होगा आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट देंगे, बाकी अभी तो हम लोग भी काफ़ी सभी घर के लोग मतलब काफ़ी ही हैं, क्या कर सकते जो होना था, बस जान बची वो बहुत बड़ी बात है, सही सलामत है, बाकी नेक्स्ट दूसरा कोई कंपनी की गाड़ी होती है दूसरा तो शायद अभी क्या होता कहना मुश्किल है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, आपसे लोगों भी थैंक यू जो काफ़ी सारे हमें क्या कहते हैं आशीर्वाद दिए हैं, प्रे किए हैं भगवान से, मतलब सब चीज़ें आप लोग हमारी यूट्यूब फैमिली हो तो जो कुछ भी होती है आप सभी लोगों से हम लोग शेयर करते हैं दुख हो सुख हो, तो आप लोग भी फीडबैक बताइएगा कि क्या करें ना करें, हमें भी समझ में नहीं आ रही, बाकी आप लोग हमेशा सलाह देते ही आए, हम लोग भी मानते हैं आप लोगों की बात, जो जैसे जैसे कर बोलते हैं सब चीज़ों को मानते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।